मेरी शादी भी जान। हमने और आपके बाबा ने फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि आपको कोई एतराज नहीं होगा। कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको इस शादी पर कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, शादी पे एतराज नहीं है, लेकिन लेकिन क्या बीजान, मैं बहुत दिनों से आपसे एक अहम बात करना चाहती। बस फारिया, अहम बात ये नहीं जो आप कहना चाहती हैं, बात अहम ये है कि हमने आपके लिए क्या फैसला किया। बीजान, मैं जब आपसे बात करने की कोशिश आपको बहस करने की आदत हो गई है क्या? आप हमारी मोहब्बत और भरोसे का नाजायज फायदा मत उठाया करें। इस पूरी हवेली में किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सके, और जिसने इतनी जुर्रत की उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ है। सुन रही हैं आप हम आपसे क्या कह रहे हैं? बीजान, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, हर किसी को हक होना चाहिए। आपको बार बार बहस करने की आदत पड़ गई है क्या? बात बात पे टोके चली जा रही है। हमें और आपके बाबा जान को यकीन है कि आप हमारा मान रखेंगी, रखेंगी ना? ना भी रखें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैसला हम कर चुके हैं। रखेंगी मान? बहुत अच्छी बात है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सिकंदर और उनके वालदैन ने जिस चाह से आपका हाथ मांगा, हम इनकार ही नहीं कर सके। बहुत मोहब्बत से आपको अपनी बहू बनाकर अपनी हवेली में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। पढ़ाई की फिक्र मत कीजिएगा, वो शादी के बाद भी हो सकती, मैं यकीन है वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। इसे सारी फिक्रें छोड़िए और शादी की तैयारी कीजिए, और ये रातों को जागना बंद कर दीजिए। शादी होने वाली है आपकी, कुछ तौर तरीके लेके आइए अपने अंदर, जल्दी सो जाइएगा।